हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक माइंड अली। मैं हूं आपका दोस्त मनन ओनली नौशाद अली। कल मूवी देखी मैंने सिद्धार्थ, जिसका रिव्यू आज कर रहा हूं। वैसे तो इसको 2021 की लव स्टोरी बोलकर रिलीज किया गया है, पर लव स्टोरी के साथ साथ इसके अंदर और क्या देखने को मिल रहा है, चलिए आज उन्हीं बातों को रिवील करते हैं। पहली बात, इसमें स्टारकास्ट उनको देखने को मिल जाते हैं, सनी कौशल, राधिका मदान, मोहित रैना और डायना पेंटी। अब बात करते हैं स्टोरी की, इसके अंदर एक नहीं दो दो लव स्टोरी देखने को मिल रही है। पहली लव स्टोरी है मोहित रैना और डायना पेंटी, मतलब गौतम और ईरा की, इनकी लव स्टोरी से इंस्पायर होकर इसमें दूसरी लव स्टोरी क्रिएट की गई है। मतलब अपने सनी कौशल और राधिका मदान, जग्गी और कार्तिका, जो इसमें जग्गी का कैरेक्टर दिखाया गया है वो थोड़ा दिल फेकासी टाइप कैरेक्टर दिखाया गया है। मतलब हर किसी लड़की पर देखकर फ्लैट हो जाना और अपनी इन्हीं चोचलो इन्हीं हरकतों की वजह से उसका दिल आ जाता है कार्तिका पर, जो उससे मिलता है स्पोर्ट्स कैंप के अंदर, और उसके बाद फिर उसको स्टॉक करना शुरू होता है, उसके बाद चुम्मा चाटी, उसके बाद वन नाइट स्टैंड। अब राधिका मदान वाला जो कैरेक्टर दिखाया गया काफी मैच्योर दिखाया गया है। वन नाइट स्टैंड के बाद सनी कौशल को पता चलता है कि भैया जो कार्तिका है वो तो 3 महीने के बाद शादी कर रही है लंदन में आके। अब वो उसको बोलता कि यार आई लव यू, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, ऐसा कैसे? और राधिका मदान बोलती है कि जो कल हुआ भूल जा, इसके बाद कुछ नहीं है, बस ऐसे ही था, फ्रेंडशिप के तौर पर था। पर काफी कन्विंस करने के बाद जो कार्तिका होती है वो बोल देती है कि चल ठीक है, अगर तुम्हें शादी से जस्ट पहले आ जाएगा तो मैं तेरे लिए अपनी शादी ब्रेक कर दूंगी, पर उसके लिए लंदन आना पड़ेगा। बस ये वर्ड सुनते ही जो अपना जग्गी होता है वो शिद्दत वाले प्यार में, शिद्दत वाली पागलपन कर बैठता है। मतलब एक देश से दूसरे देश ट्रेवल करते हैं, जो सही तरीका होता है फ्लाइट वाला उसको छोड़कर बाकी जितने तरीके सारे ही आजमा लेता है, फिर चाहे लिफ्ट मांग के जा रहा है, चाहे पैदल जा रहा है, या फिर 32 किलोमीटर का इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला है, वो भी तब जब उसको ठीक से तैरना भी नहीं आता। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि शिद्दत वाला प्यार दिखाया जा रहा है, शिद्दत वाला पागलपन दिखाया जा रहा है। अब कुछ महारथी ऐसे भी आएंगे कमेंट बॉक्स में आके जो ये बोलेंगे भाई प्यार का दूसरा नाम ही पागलपन है। तो भाई अगर प्यार का दूसरा नाम पागलपन है ना, तो फिर वो ठीक है। जो इस मूवी में राधिका मदान बार बार बोलती है कि ऐसे लोगों को हमारे चूतिया बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलती है वो, क्योंकि ये शिद्दत वाला प्यार ना लैला मजनू हीरा राजा के टाइम में चलता था, सोनी मेहवाल के टाइम में चलता था, जब वो तैर कर एक दूसरे से मिलने जाते थे। 2021 है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चलने वाला। यहाँ पर सिर्फ वही देखने को मिलता है जो मूवी के फर्स्ट हाफ में दिखाया गया है, कि जो भी लड़की देखी बस उसी पे लट्टू हो जाते हैं, उसके बाद चुम्मा चाटी, फिर वन नाइट स्टैंड, सिर्फ यही प्यार चलता है 2021 के अंदर जो उसके फर्स्ट हाफ में दिखाया गया। उसके बाद तो जो शिद्दत वाली मोहब्बत इसके अंदर दिखाई गई है वो शिद्दत वाले पागलपन में कन्वर्ट हो जाती है। और ये समझ में नहीं आता कि सिर्फ ये शिद्दत वाला पागलपन जो जग्गी वाले कैरेक्टर में दिखाया गया, जो फिल्म मेकर्स बिल्कुल पूरी तरह से पागल हो गए, मतलब इलॉजिकल चीजें दिखा दी गई हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। पहली बात, पूरी मूवी में प्लेन से सफर नहीं करता, और एक जगह सफर करता है तो कहां बैठ के सफर करता है, जहां प्लेन का टायर होता है, जब वो टेक ऑफ करता है उसके बाद टायर अंदर घुस जाता है ना, वहां पर उसके ऊपर बैठ के वो सफर कर रहा है। कहां का लॉजिक है यार, बिल्कुल भी मूवी में कहीं लॉजिक ही देखने को नहीं मिला है। उसके पहले तो जितने भी सीन में ट्रेवल कर रहा है एक देश से दूसरे देश, समझ में नहीं आता कि हमारा आशिक है, वास्को डी गामा है, देश की खोज करने निकला है। बिल्कुल इलॉजिकल चीजें इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। हाँ, बात करें एक्टिंग परफॉर्मेंस की तो मोहित रैना और सन्नी कौशल का जो परफॉर्मेंस है वो लाजवाब है। जितना उनको करने के लिए मिला उसमें 100% जान डाल दी है, पूरी जान फूंक दी है सन्नी कौशल और मोहित रैना ने। बात करें हमारी लीड फीमेल एक्ट्रेस की तो राधिका मदान और डायना पेंटी, इनके पास ज्यादा कुछ करने के लिए है भी नहीं, और डायना पेंटी का तो सीन ही काफी कम है मूवी के अंदर। हाँ, राधिका मदान की बात कर सकते हैं, उसके कुछ कर सीन है पर उसमें वो कुछ ज्यादा कमाल कर नहीं पाई है, ज्यादातर वो ग्लैमर के तौर पर ही मूवी के अंदर प्रेजेंट की गई है, और सिर्फ उसी में उनका काम देखने को मिला है। मूवी पूरा फोकस करती है जग्गी के कैरेक्टर पर, और सन्नी कौशल ने अपने कैरेक्टर में पूरी जान फूंक दी है। अभी तक जो सिर्फ उनकी एक पहचान थी कि वो विक्की कौशल के छोटे भाई है, अब वो अपनी एक अलग पहचान क्रिएट कर सकते हैं, और इस मूवी के बाद उनके पास और भी काफी मूवी के ऑफर आ सकते हैं, क्योंकि बंदे ने अपनी हिम्मत दिखाई है, टैलेंट दिखाया है कि वो अकेले अपने कंधे के दम पर पूरी मूवी को उठा सकता है। खैर, अगर ओवरऑल मूवी की बात करें कि देखनी है या नहीं देखनी है, तो एक तरह से दो चॉइस हो सकती है। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनको ये मूवी काफी पसंद आने वाली है, जो इस तरह की लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं, शिद्दत वाला प्यार देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए मूवी अच्छी भी है। पर जो इसमें लॉजिक ढूंढने वाले लोग आएंगे उनको ये मूवी पसंद नहीं आने वाली, क्योंकि इसके अंदर एक तो लूप होल्स की भरमार है, काफी सारे लूप होल्स देखने को मिलेंगे, फिर आप एंड तक उनके जवाब तलाशते रह जाओगे, और दूसरी इसमें जो इलॉजिकल चीजें दिखाई गई हैं वो उनके सर के ऊपर से उतर जाएंगी। खैर, अगर मूवी में एक अच्छी चीजों की बात करें कि इसके अंदर अच्छा हैगा, तो पहली है इसकी एक्टिंग परफॉर्मेंस, जो सनी कौशल और मोहित रैना ने हमको दिखाई है, काफी अच्छी एक्टिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है, आप कायल हो जाओगे उनकी एक्टिंग के। और दूसरा इसका म्यूजिक, क्योंकि एक लव स्टोरी में जिस तरह का म्यूजिक देखने को मिलता है वो म्यूजिक इसके अंदर देखने को मिलेगा, एक दिल को सुकून देने वाला म्यूजिक इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आप ये मूवी जरूर देख सकते हैं। खैर, बात करें रेटिंग की, तो मेरी तरफ से मूवी को 5 में से 2 स्टार
पहला स्टार इसके म्यूजिक के लिए, दूसरा स्टार इसके एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए, और सन्नी कौशल ने जो करके दिखाया है उनके लिए अपने कंधे पर पूरी मूवी को जो लेकर गए हैं। तो 5 में से 2 स्टार अगर आपने मूवी देखी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। खैर आज की वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।